हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषि आनंद है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ई मैथ्स गुरु। तो आज की जो ये लेक्चर है वो नंबर सिस्टम की तीसरी लेक्चर है जो कि मैं बना रहा हूँ नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जैसे कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स दे रखे गए हैं उनका जब हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके एंड में जब भी प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट आता है उसके एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उसको इसको इस तरीके से इसमें पूछा जाता है कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, जो भी नंबर के प्रोडक्ट होंगे। तो एक्चुअली में इसमें बेसिकली एक एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर वो आप कंसेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे जब भी हम उन ग्रुप ऑफ नंबर का जब भी हम प्रोडक्ट लेंगे तो उसके एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो उसके द्वारा हम लोग बहुत ही आसानी से उस कंसेप्ट के द्वारा बहुत ही आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट है पहले उसको जान लेते हैं, फिर उसे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिससे किसी तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले उस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हुए चल रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन ही लेते हुए चल रहा हूँ। जैसे कि अगर हमें बोला गया कि फैक्टोरियल 10 है, यहाँ पर क्या दे दिया गया, फैक्टोरियल 10 दे दिया गया। अब उसके बाद बोला गया कि इस फैक्टोरियल 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है, 10 हो गया सबसे पहले, फिर उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर 9, 8, फिर उसके 7, फिर उसका 6, फिर 5, देन 4, देन 3, देन 2 एंड फिर 1, ये लास्ट हो जाएगा यहाँ तक। मतलब 10 से स्टार्ट करना, फैक्टोरियल 10 है तो मतलब क्या है कि या तो आप 1 से स्टार्ट कीजिए 10 तक जाइए, या फिर 10 से स्टार्ट कीजिए अपने घटे घटते क्रम में 1 तक जाना। अब क्या बोल रहा है कि इसका जितना भी प्रोडक्ट होगा, इसका जो भी प्रोडक्ट होगा और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के एंड में मतलब लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे ये हमें बताना है। तो देखिएगा एक चीज यहाँ पे ध्यान समझिएगा, एक बहुत सिंपल सा मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे बताता हूँ कि आप इसमें से देखिएगा, अगर कोई भी दो कोई कोई कौन सा ऐसा दो नंबर है जिनका हम लोग प्रोडक्ट करें तो उसमें क्या दें, हमें एंड में जीरो दें। तो आप यहाँ से पे ध्यान से देख रहे होंगे तो एक चीज़ देखिएगा, ये 5 और यहाँ पर जो 2 है, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एंड में क्या मिलता है, 0 मिलेगा। 5 2 जाए कितना होता है, 10 होता है। इसका मतलब और कोई भी आप देखिएगा डिजिट, इसमें से और कोई भी डिजिट जो प्राइम फैक्टर में हो उसमें से और कोई वैसा डिजिट नहीं है जिसका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा 10 आएगा या फिर एंड में 0 होगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं, कोई ऐसा नंबर आपको नहीं दिखेगा सिर्फ 5 और 2 को छोड़कर कि जिसका हम लोग प्रोडक्ट निकालें तो हमें एंड में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिर्फ 5 और 2 का ही जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो एंड में क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर तो हम लोग फाइंड आउट क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन हमें इस तरह का मिलता है तो उसमें फाइंड आउट यही चीज करना होता है कि कौन कितने 5 है और कितने 2 है। तो देखिए अगर एक चीज़, और इससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम 5 और 2 लेते हैं कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। कितने जीरोज आए यहाँ पे, 1 0 हुआ, 1 0 हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था, 5 टू द पावर 1 है और 2 टू द पावर भी क्या है, 1 है। यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं, 5 का स्क्वायर ले लेते हैं और 2 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए, हो गए ना 2 जीरोस। मतलब क्या है कि स्क्वायर लिया तो 2 जीरोस हो गए। अब उसके बाद आ जाओ क्यूब, 5 का क्यूब लेते हैं और यहाँ पे 2 का क्यूब। तो यहाँ पर इनको अगर जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। मतलब जितने पावर होंगे उतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पे कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए, हो गए ना 3 जीरोस। एंड में कितने जीरो हुए, 3 जीरो हुए। अब उसी तरह एक और लेते हैं, अगर ऐसा आपको दे दिया 5 टू द पावर 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 टू द स्क्वायर, ठीक है। अब बोला क्या कि अब इसके एंड में कितना आएगा, तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रहा था हमें, 100 दे रहा था। यहाँ पर ये 25 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये 100 में फिर से कितने हो गए, 2 जीरोस हो गए, ठीक है ना, 2 जीरोस हो गए। और ये सबको प्रोडक्ट किया गया तो कितना हमारा आ जाता है, 25। मतलब यहाँ पर कितने आते हैं हमारे, 2 जीरोस आते हैं,
2 जीरोस आते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरोस आए, 2 जीरोस कैसे आए देखिए। फिर उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका सबसे छोटा पावर होगा, ठीक है, जिसका सबसे छोटा पावर होगा उतने ही जीरोस होंगे। 5 का यहाँ पे कितना था, 4 पावर था, और 2 का कितना था यहाँ पे, 2 ही पावर था। 2 पावर था तो कितने होंगे, 2 ही जीरोस होंगे, क्योंकि 2 जो था हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। और बाकी कितने 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 से कितना मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 2 5 मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि 2 ही हमारे पास क्या था, 2 थे। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए हमारे, 2 जीरोस आ गए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, कितने 5 हैं और कितने 2 हैं, और फिर जितने जो उसमें से कम है उतने ही जीरोस क्या होंगे उस प्रोडक्ट के, उतने ही जीरोस अंतिम में एंड में होंगे। आज ये जो हमारा सवाल था उस पर आ जाते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 1 2 यहाँ पर है, 2 टू द पावर 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 5 टू द पावर कितना, 1 ही है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एक ही है, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या होगा, 1 3 आ जाएगा, 1 2 आ गया हमारा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 3, और यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर आएगा आपका 1 2 आएगा और 1 5 आएगा। तो 5 देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 2 1 है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, मतलब तो कितना, 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। अब उसके बाद आते हैं 2 कितने हैं, 1 यहाँ पर, 3 1 3 4 5 6 7 और 1 8, मतलब 2 टू द पावर 8 है। फिर मैंने क्या बोला था, जिसका सबसे कम पावर होगा उतना ही क्या होंगे यहाँ पे, जीरोज होंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम पावर किसका है, 5 का है, कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। जब भी इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो एंड में कितने आएंगे, 2 ही जीरोज आएंगे, 2 जीरो से ज़्यादा जीरो नहीं आएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी हम इसका प्रोडक्ट लेंगे इन सारे नंबर का, तो इसमें कितने जीरोज आएंगे, सिर्फ 2 ही जीरोज आएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन लेते तो और भी अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सवाल क्या है कि 1000 फैक्टोरियल, इसमें कितने जीरोज होंगे जब हम एक 1000 फैक्टोरियल को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, और ये सो ऑन चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 1000 तक जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से हम लोगों को फाइंड आउट करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, कितने 2 है और कितने 5 है, ये क्या है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जो भी यहाँ पर दे रखा है उसको कितने से डिवाइड करते जाना, हम लोगों को 5 से डिवाइड करते जाना है। यहाँ पर कितना दे रखा है, सबसे पहले देखते हैं 1000 दे रखा है, उसको 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200, 200 आ गया। अब जो भी यहाँ पर आया है उसको फिर से 5 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर उसको 200 को फिर से हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 5 4 जो 20 एंड देन 0। फिर इसके बाद जो भी यहाँ पर बचा है फिर से इसको डिवाइड कीजिए, फिर से 40 को हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से, कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पर जब तक ये 5 से कम नहीं हुआ तब तक डिवाइड करते जाना है, यहाँ पर फिर 8 आ गया, फिर से 5 से डिवाइड कर देते, ये कितना, 1 में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने आ गए, जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे इसको ऐड कर लेते तो मतलब 200, फिर आ गया 40, सॉरी 40 40 हो जाएगा यहाँ पर, 40 देन 8 देन 1, और सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यही है नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, इसको ऐड किया तो 9 4 और 2, मतलब 249 कितने होंगे, जीरोज होंगे। जब भी हम 1000 फैक्टोरियल का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितने जीरोज हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, 249 क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, काफ़ी सिंपल था, जो शॉर्टकट मैंने बताया था, सिंपल सा शॉर्टकट इसमें लगाना है। जितना भी यहाँ पे दे रखा है उसको 5 से डिवाइड करते चले जाइए, जब तक तब तक उसको डिवाइड करना जब तक कि वो 5 से कम ना आ जाए। जब 5 से कम हो जाए तो वहीं पे आपको क्या करना, छोड़ना है, और जो भी यहाँ पर आ रहा है, जो भी कोशेंट आ रहा है उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इतने नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, एंड में हो जाएंगे, जब भी इनका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। अगला सवाल है हमारा, फैक्टोरियल 200 का क्या निकालना, नंबर ऑफ जीरोस निकालना एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको भी हम लोग कुछ इसी तरह से बोला जा सकता है, 1 2 देन 3 देन 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा आपका 200 तक, और ये सबका प्रोडक्ट निकाल के हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो फिर से हेक्टिक है, यहाँ पे आप 2 भी नहीं पता कर सकते, 5 भी नहीं पता कर सकते। तो मैंने इसके लिए क्या बताया आपको, जो भी यहाँ पे नंबर दे रखा है उसको लिख लेंगे और उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितने से हो जाएगा, 5 5 20, ये कितना हो गया, 40।
और जो भी बचा फिर से उसको 5 से डिवाइड करेंगे। तब तक डिवाइड करना जब तक ये 5 से वो क्या हो जाए, छोटा ना आ जाए। कितना जाए, 5 अटे 40। अभी 8 को फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1। अब ये सबको जोड़ देंगे, जो भी यहाँ पर बचा हुआ है उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 40, देन 8, देन 1, सबको ऐड कर दिया तो आ गया 49। सो यार आंसर इज, ये जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके एंड में कितने जीरोज होंगे, 49 जीरोज होंगे। तो आइए हमारा जो सवाल है, ये सवाल में क्या पूछ रहा है, हमसे यही पूछा जा रहा है कितने जीरोज होंगे अंतिम में जब भी इनका हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। देखिए यहाँ पे एडिशन किया जा रहा है, तो एडिशन किया जा रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे आफ्टर एडिशन। तो देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एडिशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक ही जीरो, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर इस तरह से आगे बढ़ता गया। यहाँ पर देखिएगा आप तो यहाँ पे 9 जीरोज है, 9 जीरोज है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा 10, फिर यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, 100, देन इसके बाद कितना लिखेंगे, 1000, और ऐसे ही चलता जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, ये चला जाएगा आपका यहाँ तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 1 0 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सबको हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये जीरो वहाँ पे जीरोज आ गए। अब यहाँ पर जब इसको ऐड किया तो कितना आएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पर भी 1, और फिर 1, और ये 1 देता ही जाएगा, और कहाँ तक चला जाएगा, 1। तो यहाँ पर कितने जीरोज आए हमारे पास, 1 जीरोज आए। तो इस तरह क्वेश्चंस आते रहते हैं एसएससी के एग्जाम में। तो यहाँ पर कितने जीरोज बचेंगे हमारे, 1 जीरोज आएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 10 × 100 × 1000 × so on चलता जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, यहाँ पे 10 जीरोज है। अब क्या बोल रहा है कि इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे अंतिम में, लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सब क्या है, मल्टीपल में, सब मल्टीपल में। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 to the power 1, और यहाँ पे लिखा जा सकता है 10 to the power 2, और यहाँ पर आ गया 10 to the power 3, उसी तरह होगा यहाँ पे 10 to the power 4, और ये चलता जाएगा कहाँ तक, तो चला जाएगा 10 to the power 10। 10 जीरोज है ना वहाँ पे, तो 10 जीरोज है तो कितना हो जाएगा, 10 to the power 10। अब यहाँ पर बेस अगर सेम होता तो पावर क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। तो बेस सेम है, पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 and so on, ये चला जाएगा यहाँ तक +10। ठीक है, अब ये 10 को क्या, यहाँ तक क्या करना हम लोग, जोड़ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, एस एन बराबर क्या होता है, n × n+1/2। यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर इस कुछ इस तरह से हो जाएगा, n कितना है, 10 है, और 10+1/2, तो ये आ रहा रिजल्ट आपका 55। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 10 to the power 55, मतलब 0 पे कितने पावर हो गए, 55, मतलब 55 नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे जब इनका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। तो काफ़ी ये सिंपल टॉपिक था, ज़्यादा उतना टिपिकल नहीं था, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं थी। इसमें करना, ये वाले क्वेश्चन में करना ये था कि सबका पावर को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ कर निकाल दिया नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो एक यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लिकेशन का था, एक एडिशन हो रहा था। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, एडिशन का क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे। कॉन्सेप्ट क्या था, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोगों को अगर मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन रहता तो सबसे पहले वहाँ पर ध्यान देना है कितने नंबर ऑफ 5 है और कितने नंबर ऑफ 2 है। फिर जब हमें ये पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ 2 और कितने नंबर ऑफ 5 है, उसके बाद जो सबसे लोएस्ट पावर का रहेगा, जिसका जिसकी संख्या कम होगी, 2 की संख्या कम होगी, तो उतने ही जीरोस क्या होंगे उसके एंड एंड प्रोडक्ट के एंड में होंगे। या फिर जिस 5 5 की सबसे कम हो संख्या होगी, उतनी जितनी संख्या होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे एंड में होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने फिर एक और बताया था कि अगर फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करना हम लोग, जिसका भी फैक्टोरियल दे रखा है उसको क्या करेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड करते जाएंगे, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो 5 से छोटा ना आ जाए। जो भी उसमें कोशेंट आता रहेगा सबको क्या कर देना, ऐड कर देना लास्ट में, उतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये समझ में भी आया होगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं था ये, मैंने इसे बहुत ही छोटा सा बना के जल्दी से किया, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन हमें देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। और
अगर ये मिल जाए तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगना भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट जो लेक्चर मैं बनाऊंगा वो डिविजिबिलिटी के ऊपर बनाऊंगा, नंबर सिस्टम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।